मामला बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अभय राजपुर गांव का है, जहां स्कूल में छात्रा की फीस जमा न होने पर उसको स्कूल वालों ने परीक्षा नहीं देने दी, जिससे परेशान होकर छात्रा ने घर में साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगा दी। जब परिजनों को इसका पता चला तो कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने बताया कि वे किराए के मकान में रहते हैं और मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी 14 वर्षीय बेटी साक्षी संचय नगर में एक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। आर्थिक तंगी के चलते 3 महीने से फीस जमा नहीं कर पाए थे, जिस वजह से स्कूल वालों ने उसे पेपर देने से मना कर दिया और इसके चलते वे डिप्रेशन में आ गई। बता दें कि मृतिका की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, इस संबंध में जो 9वीं क्लास की छात्रा है 14 वर्षीय, जिसने आत्महत्या कर ली, उसका शव पुलिस ने कस्टडी में लेके पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है और जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए, क्योंकि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर और घर वालों से और स्कूल प्रबंधन से बात करके जाँच के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि आत्महत्या का कारण क्या था। ठीक, वो 9th क्लास में पढ़ती थी तो इनकी फीस हमारे यहाँ बकाया थी, तो मैंने पहले पहले पेपर इनसे बड़ा विनती करी थी, इनने पहला पेपर दे दिया था तो उसके बाद मैं फीस नहीं दे पाया था। मैंने इनसे कही थी कि मेरे इस बार पेपर दिलवा दो, अब तक निभाया और निभा दो, पेपर दिलवा दो, अप्रैल से नया एडमिशन मत लेना। तो इनने उस चीज़ को नहीं माना और इनने मना कर दी मुझसे पेपर के लिए, उसी माँ के टेंशन में इसने फांसी लगा दी। फीस होगी लगभग 20-25 हज़ार होगी। तो क्या कारण था, क्यों नहीं दे पा रहे थे क्या सर जी? कुछ हालात ऐसे थे, नहीं कमाई हो पाई थी, नहीं दे पाए थे।